तो अचानक से मतलब घोटते घोटते अचानक मतलब मिट्टी का पूरा ढेला उनके ऊपर आ गिरा जी। हाँ, तो मतलब एक को तो हमने बहुत मुश्किल के बाद में जैसे जैसे करके निकाला, हम वो वहाँ पे कुछ काम चल रहा था वो बांध कुए का, हाँ। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने फोन लगाया हमको, भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई, बोले फिर हम जाके देखा, आप सभी लोग भागते हुए पहुंचे होंगे, मतलब गाँव वाले पूरे, हम गए फिर देखा तो महिलाएं दबी हुई थी। महिलाएं दबी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेख वसीम और आप देख रहे हैं खबर एक्सपोज, जिसपे आपको खंडवा की खबरें देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के ग्राम नादिया की, जो थाना पिपलोत का गांव है, वहां पर आज एक घटना हुई है। कुछ महिलाएं मिट्टी लेने के लिए खदान पे गई थी, इसी दौरान खदान धंसने की वजह से वहां तीन महिलाएं टोटल गंभीर घायल हुई, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि दो महिलाओं को खंडवा के जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तो क्या है पूरा मामला, उनके परिवार के लोग यहाँ पर उनको लेकर आए हुए हैं, घायल महिलाओं का यहाँ इलाज चल रहा है, तो क्या है पूरा मामला, उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भी आपका? सतीश राठौर सर। राठौर साहब, क्या हुआ था पूरा बताइए सर। जैसे मिट्टी लेने गए थे घर के लिए। कौन से गांव के रहने वाले? ग्राम नादिया से। अच्छा जी। ये कब की बात है? ये आज सवेरे 9:30 बजे की। 9:30 बजे जी। तो कितने जने गए थे? कुल पांच महिला गई थी वहाँ पे जी। तो किस किस को चोट आई और किसकी मृत्यु हुई और कौन को नहीं लगी चोट, ये पूरा बता दो। जैसे सर दुर्गा भाई राठौर और पति उनका अर्जुन, वो तो मतलब वहीं पे स्पोर्ट भी ये हो गया, मतलब एक्सपायर। अच्छा, दुर्गा भाई का निधन हो गया। हाँ, निधन हो गया उनका जी। और दो भाई जो घायल है उनका क्या नाम? उनका नाम, एक का नाम पीमल भाई राठौड़ है, एक का नाम सावित्री भाई राठौड़ है। अच्छा, सभी मतलब एक ही परिवार? सब एक ही परिवार से थे। अच्छा, तो वो जो खदान जो थी वो पीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? सफेद मिट्टी की खदान थी। घर में मतलब मिट्टी की जो जरूरत रहती है, लिपाई छपाई में जो काम में आती है, उसके लिए लेने गए थे। तो अचानक से मतलब खोदते खोदते अचानक मतलब मिट्टी का पूरा ढेला उनके ऊपर आ गिरा जी। हाँ, तो मतलब एक को तो हमने बहुत मुश्किल के बाद में जैसे तैसे करके निकाला जी। ये खदान मतलब आपके नादिया गांव से कितनी दूर है? मतलब सर 1 किलोमीटर नदी में। मतलब अच्छा, ये नदी में ये खदान जी। अच्छा, तो फिर जैसे घटना हुई तो फिर आपको कैसे पता चला? सर जैसे हम वो वहाँ पे कुछ काम चल रहा था बांध कुए का, हाँ। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने फोन लगाया हमको, भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई, बोले फिर हम जाके देखा। आप सभी लोग भागते हुए पहुंचे होंगे? मतलब गांव वाले पूरे, हम गए फिर देखा तो ये महिलाएं दबी हुई थी। हाँ, महिलाएं दबी हुई थी, जो दो महिलाएं बची हुई थी उन्होंने जैसे तैसे इनको खींच के देखा, तो इनसे मतलब निकल नहीं पाए जी। फिर हम लोग गए, फिर कुछ दूसरे व्यक्ति आए, फिर हमने खुदाई उदाई करके इनको बाहर निकाला जी। और वो जो दो महिलाएं जिनको मतलब मामूली चोट या नहीं लगी है चोट, तो वो तो नॉर्मल है, मतलब उनको नॉर्मल है, उनको भी यहाँ अस्पताल लाए? उनको नहीं लाए, मतलब वो ठीक थे तो इस वजह से उनको नहीं लाए। अच्छा, तो फिर आप तत्काल यहाँ पर लेके आए? वहीं से मतलब सीधा गाड़ी करके एम्बुलेंस को फोन लगाए, तो एम्बुलेंस लेट हो जाएंगे, प्राइवेट गाड़ी करके उनको यहीं पे लेके आए। फिर अच्छा, फिर एडमिट वगैरह कराया, फिर इलाज चालू हुआ उनका। अच्छा, तो एम्बुलेंस वाले नहीं आए? मतलब वो आने वाले थे, बोल रहे थे, बोले मैंने एक काम करो भैया, बोले तो हम आएंगे, मतलब एक दो घंटा तो लग ही जाएगा उनको। हाँ, तो इसलिए मैंने, हम प्राइवेट जीप करी, फिर उनको लेके आए। तो दोनों महिलाएं जो घायल है उनको यहाँ भर्ती किया जी। और जो महिला का निधन हो गया उनको पिपलोत ले गया, उनको पीएम के लिए पिपलोत भेज, पोस्टमार्टम के लिए उनको ले जाया गया। ठीक है, आप बोलोगे भाई कुछ बोलोगे आप? तो हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार। क्या आप अपनी गाड़ी के लिए टायर खरीदना चाहते हैं और आपका बजट कम है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मस्तान टायर्स है ना। सभी कंपनियों के नए एवं पुराने टायर सभी साइज में मिलने का एकमात्र स्थान मस्तान टायर्स, सेक्टर 3 गुलमोहर कॉलोनी खंडवा। मोबाइल नंबर 9420585182। और हाँ, आप मस्तान ऑटो पार्ट्स पर पाए JCB, पोकलैंड डंफर के पार्ट्स, इंजन ऑयल, ग्रीस डिस्काउंट रेट पर एक बार जरूर विजिट करें।